क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड व्हाट इज़ द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सर या एनिमल के अंदर जब क्रोमोसोम का नंबर कम या अधिक हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन। क्लाइनफेल्टर एक अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, ये है लड़का लेकिन उस बॉय में करेक्टर कौन से हैं, गर्ल्स वाले। मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, फीमेल की तरह गर्ल्स। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर थे वो जनरेट हुए। तो इन ट्राइजोमी में क्या हुआ, एक क्रोमोजोम इंक्रीज हुआ, सेक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है, स्पर्म में 24। अब क्या हो रहे हैं, एग में 24 और स्पर्म में 23। गैमेट प्रोडक्शन जब एबनॉर्मल हो जाएगा, जो फीचर्स हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज जो आप एक इम्पॉर्टेंट जेनेटिकल डिसऑर्डर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे जिसका नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड व्हाट इज़ द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड व्हाट इज़ द मीन ऑफ द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आप इस वीडियो को कम्प्लीट देख लेंगे, देखने के बाद में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर गूगल ड्राइव का एक लिंक दे रखा है, उस लिंक को क्लिक करके आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डाउनलोड कर पाएंगे और साथ में मिलेंगे आपको उसके साथ में शॉर्ट नोट्स को। तो आप क्या करेंगे कि वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे, शॉर्ट नोट्स जिसको कि मैं अपलोड करूंगा उसको आप पढ़ने के बाद में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, और अगर कोई दिक्कत आती है तो अगेन वीडियो को देखिएगा। जितनी बार वीडियो को देखेंगे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना उतना ही आपके लिए आसान रह जाएगा। तो आज का टॉपिक है वो है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहले हम टाइटल लिखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, उसके बाद में डिस्कशन करते हैं कि हु डिस्कवर्ड द क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम एंड विच काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर इज दिस। किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर या एनिमल के अंदर जब क्रोमोसोम का नंबर कम या अधिक हो जाता है तो उसे बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। क्लाइनफेल्टर एक अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट थे, ये क्लाइन जो साइंटिस्ट है उनका नाम है हैरी फिट्स क्लाइनफेल्टर। एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब क्या होता है, द स्टडी ऑफ एंडोक्राइनल ग्लैंड्स। हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, द एंडोक्राइनल ग्लैंड्स विच सीक्रेट इट्स केमिकल्स इनटू द ब्लड एंड वाया ब्लड दे रीच टू द टारगेट ऑर्गन। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है कि जो कि अपने स्त्राव को, अपने सीक्रेशन को ब्लड में मिक्स कर देती है और ब्लड के साथ में फ्लो करता हुआ वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, इनको बोलते हैं एंडोक्राइनल ग्लैंड्स बोलते हैं। इनमें कोई भी डक्ट नहीं होती है, नलिका नहीं होती है, इसलिए इसको डक्ट लेस ग्लैंड भी बोलते हैं, एंडोक्राइनल ग्लैंड। और स्टडी ऑफ एंडोक्राइनल ग्लैंड इज कॉल्ड एड एंडोक्राइनोलॉजी। और जो साइंटिस्ट या डॉक्टर जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसे हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये एक अमेरिकन एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है, हैरी फिट्स क्लाइनफेल्टर है। इनके पास में एक ये सबसे पहले एक पेशेंट के साथ में एनकाउंटर हुए थे और उन्होंने देखा कि ये पेशेंट है, इसके बड़े यूनिक से फीचर है जो नॉर्मल किसी भी मेल और फीमेल में नहीं होते। वो फीचर कौन से हैं उसका अभी भी यहाँ पर फोटो देखेंगे और मैं आपको बताता हूँ किस तरह के फीचर थे। एक ऐसा मेल, एक ऐसा लड़का है लड़का लेकिन उस बॉय में करेक्टर कौन से हैं, गर्ल्स वाले। एक ऐसा बॉय है बॉय लेकिन उसके मॉर्फोलॉजिकल जो फीचर्स हैं वो कैसे हैं, फीमेल की तरह, गर्ल्स की तरह। मीन्स वी कैन से दैट सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स जो फीमेल्स के होते हैं वो इस मेल के अंदर है। अब प्राइमरी मेल करेक्टर क्या होता है, प्राइमरी मेल करेक्टर हुआ किसी न्यूबॉर्न बेबी का जन्म हुआ तो हम कैसे पहचानते हैं कि मेल या फीमेल है, हमने देखा मेल है, मेल बेबी है तो उसके अंदर क्या होगा, पीनस होगा, फीमेल बेबी है तो वेजाइना है, तो पीनस और वेजाइना क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। जब बच्चा जैसे जैसे ग्रोअप होता है, प्यूबर्टी में एंट्री करता है, बाद में विदाउट आइडेंटिफाइंग द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वी कैन डिफ्रेंशिएट द मेल एंड द फीमेल बाय द वॉइस, कि मेल होगा उसकी वॉइस थोड़ी भारी होगी, भारी टोन होगा, फीमेल है तो आवाज़ उसकी पतली होगी, मेल है तो उसके बॉडी के ऊपर हेयर्स ज़्यादा होंगे, फीमेल है तो हेयर्स कम होंगे। तो हम जानते हैं ये सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स होते हैं। तो इस हैरी फिट्स क्लाइनफेल्टर के पास में एक ऐसा पेशेंट आया जो है तो बॉय, लड़का है लेकिन सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर कैसे आते हैं, लड़कियों की तरह। कौन कौन से, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट,
ब्रेस्ट का डेवलपमेंट इनके अंदर हो जाएगा जो कि नॉर्मली फीमेल्स के अंदर होते हैं। बॉडी के ऊपर हेयर्स इनके अंदर कम होते हैं, मसल्स इनकी है सॉफ्ट और लूज होती है। तो इस तरह की बात है, जो फीमेल्स के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर थे वो जनरेट हुए। तो इन क्लाइनफेल्डर ने इनिशियल स्टेज में, इस क्लाइनफेल्डर साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि ये कोई हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, हार्मोनल डिसबैलेंस। हम जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर किस हार्मोन से जनरेट होता है, मेल में बाय द टेस्टोस्टेरोन, इन द फीमेल एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर। एंड क्लाइनफेल्डर कंक्लूडेड दैट दिस पर्सन इज द मेल, बट ड्यू टू द डिक्रीज अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन, लो सीक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन, ये इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो इन्होंने इसको एंडोक्राइनल प्रॉब्लम माना कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कम स्त्रावण के कारण से ये बीमारी होती है। आप ध्यान से सुनिएगा, वीडियो में हड़बड़ाहट नहीं करना, जल्दबाजी आप नहीं करेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। मैं चीज़ें सारी यहाँ पर लिखता हुआ चलूँगा। तो एक साइंटिस्ट और आए जिनका नाम था जैकब और स्ट्रॉन्ग, है ना। जिस भी साइंटिस्ट ने काम किया वो टॉपिक को पढ़ते समय उसको क्रेडिट देना जरूरी होता है। तो इन द 1959 जैकब एंड स्ट्रॉन्ग कंक्लूडेड दैट दिस इज ड्यू टू द क्रोमोजोमल डिसऑर्डर। ये बीमारी किस वजह से होती है, गुणसूत्रों की संख्या कम या अधिक होने से होती है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, मेल में फीमेल के करेक्टर कैसे जनरेट होते हैं, आइए देखते हैं। अभी देखिए हम नॉर्मल क्या पढ़ते हैं, नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूं, नॉर्मल है ना, नॉर्मल क्रोमोजोमल कंपोजिशन, नॉर्मल क्रोमोजोम्स इन मेल्स। सामान्यतः मेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कैसे होते हैं, हम बोलते हैं 44 प्लस एक्स और वाई। मैं मेल की बात कर रहा हूं क्योंकि डिसऑर्डर किसमें होता है, मेल में, फीमेल के हम डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं। तो नॉर्मली नॉर्मल क्रोमोजोम्स इन द मेल्स कितना है, 44 प्लस एक्स वाई। परंतु ये जो क्लाइनफेल्डर के जो पेशेंट है, ये जो क्लाइनफेल्डर के पेशेंट्स हैं, इनमें क्या है, 44 प्लस यहाँ पर देखें क्रोमोजोम्स क्या है, एक्स एक्स और वाई। एक एक्स क्रोमोजोम इनमें क्या है, एक्स्ट्रा है, ये वाला, ये क्रोमोजोम क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम है। जो नॉर्मली सेक्स क्रोमोजोम एक्स और वाई होते हैं, इनमें एक एक्स्ट्रा एक्स आ गया तो एक्स एक्स वाई 44, 45, 46 एंड 47। नॉर्मली जो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं 2n बोलते हैं, डिप्लोइड नंबर। 46 क्रोमोजोम को रिप्रेजेंट किया जाता है 2n से, और यहाँ पर क्या हो रहा है, 2n के साथ में एक क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको, 2n प्लस 1 बोलते हैं। और 2n प्लस 1 की जो कंडीशन होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं ट्राइजोमी बोलते हैं। ओके, ट्राइजोमी बोलते हैं। ट्राइजोमी में क्या हुआ, एक क्रोमोजोम इंक्रीज हुआ। नंबर ऑफ क्रोमोजोम जब इंक्रीज होता है तो इसको हम हाइपरप्लॉइडी भी बोलते हैं। यहाँ पे मैं ऑब्लिक लगा के लिख देता हूँ, हाइपर, हाइपर का मतलब ही ज़्यादा होता है, हाइपरप्लॉइडी भी बोल सकते हैं इसको। कौन सा क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है, हमने कहा सेक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है, ये वाला सेक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है, इसलिए इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं सेक्स, सेक्स क्रोमोजोमल ट्राइजोमी, सेक्स क्रोमोजोमल ट्राइजोमी भी बोलते हैं। ये सारे टेक्निकल टर्म से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं और जब डिस्कशन होता है तो आपको पता ना चाहिए। क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम किस टाइप की डिजीज है, हमने कहा ट्राइसोमी। अगर ऑप्शन में दे रखा है एक ट्राइसोमी, दूसरा ऑटोसोमल ट्राइसोमी, तीसरा दे रखा है सेक्स क्रोमोजोम ट्राइसोमी, तो हम कहेंगे सेक्स क्रोमोजोमल ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम में आपने पढ़ा था ऑटोसोमल ट्राइसोमी, क्योंकि उसमें जो ऑटोसोम होते हैं ये एक एक्स्ट्रा था, इसमें सेक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा है तो सेक्स क्रोमोजोमल ट्राइसोमी, है ना। एक क्रोमोजोम ज्यादा हो गया तो हाइपरप्लॉइडी है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, कम हो जाए तो उसको हाइपोप्लॉइडी बोलते हैं, ये हाइपरप्लॉइडी है। कई बार ऑब्जेक्ट पूछ लेते हैं विच काइंड ऑफ द कंडीशन इज फाउंड इन द क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम, ऑप्शन माजे 2n प्लस 1, 2n प्लस 2, 2n माइनस 1,
कंफ्यूज नहीं होना है, 2n+1। इसका मतलब क्या है, 2n डिप्लोइड, 2 का मतलब डाई होता है, डिप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46+1 47। तो ये टेक्निकल चीजों को समझने की जरूरत है। तो हमने कहा कि इनमें क्या होगा, एक मादा एक्स एक्स क्रोमोसोम, देखिए आपने पढ़ा हुआ है ये जो क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, यहां पर हम बात कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम की, सेक्स क्रोमोसोम्स जो मेल में है उसी की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम्स हमने कहा एक तो है एक्स है और दूसरा है वाई है। ये जो एक्स क्रोमोसोम है ये कौन से करैक्टर डेवलप करता है, फीमेल करैक्टर। ये क्या करता है, मेल करैक्टर जनरेट करता है, मेलनेस नर के लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये मादा के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको इतना सा बता देता हूँ, अगर एक्स और वाई क्रोमोसोम की बात करें तो वाई क्रोमोसोम ज़्यादा डोमिनेंट होता है इसलिए एक्स का इफेक्ट नहीं आता है, वाई का इफेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक्स और वाई नहीं है, एक्स एक्स वाई है। एक्स क्रोमोसोम जो कि फीमेल में भी होता है, फीमेल में आपने पढ़ा है सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, देखिए फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए एक छोटी सी बात लिख लेता हूँ, सेक्स क्रोमोसोम कहाँ आपने एक्स एक्स वाई किस में है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। ये जो एक्स और एक्स मिलते हैं तो करैक्टर कौन सा जनरेट करते हैं, फीमेल का, और ये एक्स और वाई मिलते हैं तो किसका करैक्टर जनरेट करते हैं, मेल का। क्लाइनफेल्टर में क्या हो रहा है, एक्स 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 वाई, एक्स एक्स वाई कंडीशन है इसलिए मेल है लेकिन फीमेल के करैक्टर जनरेट हो रखे हैं। ये है जेनेटिकल प्रॉब्लम इसके अंदर, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में प्रॉब्लम ही है। अब बात आती है ये प्रॉब्लम क्रिएट क्यों हुई, इसके डेवलप होने का रीजन क्या है, उसको अभी हम समझ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई है। अगर मैं इसके रीजन की बात करता हूं तो यहां पे एक बार के लिए इसका कारण लिख देते हैं, कारण की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में अगर कोई पूछे आपको, केवल इतना सा कहेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एबनॉर्मल स्पर्म्स और ओवम, ओके, या और शॉर्ट में लिखूं तो मैं ये कह दूं एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस। सिंपल सा एबनॉर्मल क्या हो रहा है, गैमेटोजेनेसिस हो रहा है, युग्मकों का निर्माण एबनॉर्मल होता है, असामान्य बन रहे हैं। अब गैमेट्स असामान्य कैसे बनेंगे, मेल में होता है स्पर्म, फीमेल में क्या होते हैं, ओवम होते हैं, ये आप पहले से जानते हैं। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हमने क्या कहा, स्पर्म और ओवम की बात कर रहे हैं। गैमेट की बात कर रहे हो तो आप हमेशा एनिमल्स में स्पर्म और ओवम की बात करेंगे, ये क्या है, मेल गैमेट है और ओवम क्या है, फीमेल गैमेट है। जब हम ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ह्यूमन में क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं, और आपने पढ़ा हुआ है स्पर्म और ओवम में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, हाफ होते हैं, यानी स्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23, और ओवम में भी कितने होते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं। स्पर्म में बात करें ये 23 क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं, तो हम ये कहते हैं कि 22 तो होते हैं ऑटोसोम और दूसरा क्रोमोसोम, इसके अलावा में जो 23rd वाला है वो या तो क्या होगा एक्स होगा और या क्या होगा वाई होगा। एक्स की बात करो तो एक्स में केवल और केवल एक ही व्यवस्था होती है, क्या, 22 होते हैं ऑटोसोम्स और उसके अलावा क्या होते हैं, एक्स क्रोमोसोम। ये ह्यूमन बीइंग अंदर आपने सेक्स डिटर्मिनेशन में पढ़ा हुआ है कि मानव के अंडे एक ही टाइप के होते हैं, कौन से, 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम के होते हैं। इसकी डिटेल की चर्चा नहीं करेंगे, टॉपिक से हम हट कर जाएंगे। स्पर्म होते हैं वो दो प्रकार के बनते हैं, मेल में कुछ स्पर्म में क्या होगा 22 प्लस एक्स होगा, किसी में क्या होता है 22 प्लस वाई कंडीशन होती है। अगर कभी एबनॉर्मेलिटी, अब मान लेते हैं एबनॉर्मेलिटी हो गई, एबनॉर्मेलिटी हो गई, अब एबनॉर्मेलिटी से प्रॉब्लम क्या हुई, एबनॉर्मेलिटी से प्रॉब्लम यह हुई कि क्रोमोसोम का नंबर जो था 22 तो था और साथ में क्या आ गया एक्स और वाई, ऐसा स्पर्म जनरेट हो गया, या
फीमेल में क्या हुआ, ठीक है ना, एबनॉर्मेलिटी आई फीमेल के अंदर, एबनॉर्मेलिटी इन द ओजेनेसिस एग के प्रोडक्शन में एबनॉर्मेलिटी, तो क्रोमोजोमल नंबर क्या हुआ 22 प्लस XX, ऐसा अगर एग बन गया या ऐसा स्पर्म, दोनों की बात नहीं करो, दोनों में से एक कंडीशन आ गई है। अब देखो यहां पे तो 23 और 23 क्रोमोजोम मिल जाते तो कितने बनते 46, और यहां पे क्या हो रहा है देखें, नंबर वन कंडीशन बताता हूं कि अंडा यानी कि एग है उसमें तो है 23 क्रोमोजोम नॉर्मल है, यानी कि क्रोमोजोमल कंपोजिशन है 22 प्लस एक्स, लेकिन इस अंडे को फर्टिलाइज करने वाला जो स्पर्म आ रहा है, ये स्पर्म, इसमें क्रोमोजोमल नंबर है 24 किस तरीके से है, हमने कहा इसमें 22 तो है ऑटोसोम प्लस इसमें है एक्स और वाई, सेक्स क्रोमोजोम आ गया एक्स्ट्रा, इनमें आपस में क्या होगा फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन से जो जायगोट बनेगा और नया जो एम्ब्रियो डेवलप होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने हो गए 47, 23 प्लस 24 47, क्रोमोजोम का कंपोजिशन क्या हुआ 22 44 हो गए ऑटोसोम, और सेक्स क्रोमोजोम कौन से हो गए एक्स एक्स वाई, ये बन गया क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम जनरेट हो गया। ओके, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हुई कि जो ओवम बन रहा है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स है 24 और कंपोजिशन है 22 प्लस एक्स और एक्स, और अगर इसका फर्टिलाइजेशन हो गया नॉर्मल स्पर्म से, नॉर्मल स्पर्म जिसमें है 23 क्रोमोजोम और क्रोमोजोम कौन से हैं 22 और वाई, अब इनमें जब फर्टिलाइजेशन होगा तो नया जो एम्ब्रियो बनने वाला होगा, क्रोमोजोम कितने हैं 47, पहले अंडे में थे एग में 23 स्पर्म में 24, अब क्या हो रहे हैं एग में 24 और स्पर्म में 23, टोटल हो गए 47, और इन दोनों के क्रोमोजोम्स आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया 44 एक्स एक्स और वाई। तो इस तरीके से हमने कहा कि जब रीजन क्या है, हमने कहा रीजन है एबनॉर्मल गैमेटोजेनेसिस, युग्मकों का निर्माण गैमेट प्रोडक्शन जब एबनॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मली गैमेट बनते हैं तो हमने कहा नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स क्या होते हैं हैप्लोइड होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं एन बोलते हैं, और एन का मतलब क्या होता है हैप्लोइड क्रोमोजोम्स हैं, दोनों ही क्रोमोजोम दोनों ही गैमेट्स में हैप्लोइड क्रोमोजोम्स थे, यानी कि 46 क्रोमोजोम होते हैं ह्यूमन में, आधे कर दो 23 हैप्लोइड नंबर होते हैं 23 स्पर्म में 23 ओवम में, और अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जो मैंने बताया एबनॉर्मल स्पर्म बने या एबनॉर्मल अंडे बने तो किस तरीके से क्या होगा क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम जनरेट होगा, ये बेसिक रीजन होता है क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम के उत्पन्न होने के, कि क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम का जेनेटिकल रीजन क्या होता है। अब मैं यहाँ पे आपसे डिस्कशन करना चाहूँगा इनके सिम्टम्स के बारे में, ठीक है ना, और सिम्टम्स का जो फीचर्स हैं वो मैं अभी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा, अभी आप समझिएगा। मेल है नॉर्मल है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स 46 है, तो नॉर्मल मेल का मतलब होता है उसमें स्पर्म का प्रोडक्शन नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मली बन रहा है, और जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नॉर्मल बनेगा तो सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर भी क्या बनेंगे नॉर्मली बनते रहेंगे, कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं है। अब इसका रिवर्स ऑर्डर करो, ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ क्रोमोजोमल कंपोजिशन आ गया एक्स एक्स वाई, क्रोमोजोमल कंपोजिशन एक्स एक्स वाई होते ही क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई, इसके होते ही क्रिएट क्या हुई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यह हुई टेस्टिस का साइज छोटा रह गया, तो मैं यहां पर लिख देता हूं स्मॉल टेस्टिकल्स, है ना, वृषण का साइज छोटा रह गया,
क्योंकि मेल कंपोजिशन के साथ साथ फीमेल कंपोजिशन भी आ रहा है, इसलिए स्मॉल टेस्टिकल्स हो गए, वृषण का साइज, टेस्टिस का साइज छोटा रहेगा। और जब टेस्टिस का साइज छोटा रह गया तो आप समझ सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो हम ये कह दें, शॉर्ट में लिख देता हूँ, लेस क्या होगा, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, कम होगा। टेस्टोस्टेरोन अगर कम होगा तो मेल के सेकेंडरी करेक्टर जनरेट नहीं हो रहे, लेस, टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन हो गया, यानी कि मेल के करेक्टर डिक्रीज हो गए और फीमेल के बढ़ने लगे। मेल के डिक्रीज हो गए, मेल के करेक्टर कौन से होते हैं, दाढ़ी मूछ का आना, बालों का आना बॉडी पे। अब बॉडी पर क्या बन रहे, बाल कम आ रहे हैं, ठीक है ना। इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट ये आया, हम कह दें लेस हेयर्स बॉडी के ऊपर क्या हुआ, लेस हेयर्स होने लगे। उसके अलावा क्या हुआ, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, जो कि फीमेल का करैक्टर है। और जब कभी मेल में ब्रेस्ट बन जाते हैं तो इस कंडीशन को बोलते हैं गाइनेकोमास्टिया। यहां पर मैं लिख देता हूं कंडीशन को क्या बोलते हैं, गाइनेकोमास्टिया बोलते हैं। मेल में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, फीमेल का करैक्टर है, आवाज का पतला होना। जितने भी आपने फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर पढ़े हुए हैं वो सारे करैक्टर्स इसमें जनरेट हो जाएंगे। रीजन क्या हुआ, हमने कहा कि सेक्स क्रोमोजोम का कंपोजिशन ऐसा है कि फीमेल कंपोजिशन एक्स एक्स और मेल का एक्स वाई दोनों बन रहा है, क्योंकि कंपोजिशन कैसा है, एक्स एक्स वाई, इसलिए स्मॉल टेस्टिस बन जाते हैं। स्मॉल टेस्टिस होंगे तो लेस सीक्रेशन ऑफ द टेस्टोस्टेरोन होगा, टेस्टोस्टेरोन का कम सीक्रेशन होगा तो मेल के करेक्टर है वो कम हो गए, सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर मेल वाले। मेल वाले कौन से, बाल का बढ़ना, आवाज का भारी होना, ये कम हो गए। अब आवाज़ क्या हो गई, लड़कियों की तरह होने लगी है, तीखी हो गई है, शरीर के ऊपर बाल है वो कम हो गए, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो गया, जिसको हम गाइनेकोमास्टिया कहते हैं। कहने की बात है ओवरऑल क्या होंगे, और ये स्टराइल होंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। जब इसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नॉर्मल सिंथेसिस नहीं होगा और सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर जनरेट नहीं होंगे तो हम ये कहेंगे स्टराइल होंगे, बंधिया होंगे, बच्चों को जन्म देने की क्षमता इनमें नहीं होगी। क्योंकि टेस्टिस का साइज छोटा होने से शुक्राणुओं की संख्या घट जाती है। ये और लिख देते हैं, लेस टेस्टोस्टेरोन का और क्या इफेक्ट आएगा, और ये होगा तो हम इसे कहेंगे कंडीशन एजोस्पर्मी, एजोस्पर्मी जनरेट हो जाएगी, एजोस्पर्मी कंडीशन। एक और कंडीशन लिख देता हूं, ओलिगोस्पर्मी। एजोस्पर्मी और ओलिगोस्पर्मी का मतलब क्या हुआ, शब्दों को देखें, ए का मतलब होता है एब्सेंट और ओलिगो का मतलब होता है फ्यू। ओके, ए का मतलब एब्सेंट होता है और ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू। ए एब्सेंट स्पर्म, स्पर्म नहीं बनते हैं तो ए स्पर्म। ओलिगोस्पर्मी, ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, स्पर्म कम बन रहे हैं तो कहेंगे ओलिगोस्पर्मी, तो निषेचन की संभावना घट जाती है। एजोस्पर्मी में स्पर्म नहीं बनेंगे तो क्या होगा, बच्चों का जन्म नहीं दे पाएंगे, जननन अक्षम, बच्चों को जन्म देने की क्षमता नहीं होगी, यानी कि ये स्टराइल होते हैं। तो सारी चीज़ें आपस में क्या है, इंटरकनेक्टेड है। एक चीज़ को समझेंगे पूरी चैन में समझ में आ जाएगा इनमें फीचर क्या क्या होते हैं। ओके, फेमिनाइन करेक्टर हमने कहा इसमें जनरेट हो गया, और भी जो करेक्टर है अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे। अब बात आती है कॉम्प्लिकेशन क्या होगा इनके बॉडी में, ध्यान से सुनेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मैं जो जो बोल रहा हूँ वो सभी बातें आएगी ऑब्जेक्ट में, कि विच काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशंस आर क्रिएटेड इन द कंडीशन ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। पहला तो होगा इंटेलेक्चुअल, जब भी ध्यान रखिएगा जेनेटिकल डिसऑर्डर जनरेट होता है, इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर आता है, आईक्यू डिक्रीज हो जाता है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है। ऑटो इम्यून डिजीज जनरेट हो जाती है, ऑटो इम्यून डिजीज, इम्यून का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी सी ट्रिगर हो गई है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, जब इम्यूनिटी, इम्यूनिटी का मतलब होता है रोगों से लड़ने की क्षमता, बाहर से जब कोई बैक्टीरिया वायरस बॉडी में एंट्री कर लेता है तो हमारा इम्यून सिस्टम उसके साथ फाइट करता है और हमें रोगों से बचाता है।
लेकिन जब कभी भी इम्यून सिस्टम थोड़ा ज़्यादा ट्रिगर हो जाता है तो वो इम्यून सिस्टम अपनी ही बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के ऊपर अटैक करने लग जाता है, नुकसान पहुंचाने लगता है। ऐसी बीमारियों को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं, जैसे कि रूमेटिक आर्थराइटिस, आर्थराइटिस बीमारी होती है, स्किन में होती है, एक्जिमा डिजीज होती है, सोरियासिस बीमारी होती है, ये सब ऑटो इम्यून डिजीज होती है। उसमें बाहर से कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं आ रहा है, शरीर का इम्यून सिस्टम है वही अपनी ही सेल्स पे अटैक करने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ये ऑटो इम्यून डिजीज क्लाइनफेल्टर में जनरेट होने लग जाती है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट मैंने बताया, तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के चांस भी बढ़ जाते हैं। मेल में फीमेल का करेक्टर ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के चांस बढ़ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और फीमेल में आपने देखा लेट एज के अंदर फीमेल्स में एक बीमारी आती है, उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो क्लाइनफेल्टर के रोगी होते हैं, इनको ऑस्टियोपोरोसिस सामान्यतः पाया जाता है। ये रोगी होते हैं नॉर्मल से थोड़े लंबे ज़्यादा होते हैं, हाइट होती है इनकी थोड़ी ज़्यादा होती है। तो हमने कहा कॉम्प्लिकेशन में क्या आया, आई क्यू इसका कम है, नंबर वन आई क्यू इनका कम है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कॉम्प्लिकेशन क्या है, आई क्यू इनका कम है, पहली बात। ब्रेस्ट कैंसर की संभावना है, ऑटो इम्यून डिजीज इसके अंदर जनरेट हो सकती है, और उसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस पोर का मतलब होता है छेद, हड्डियों में छेद बनना, यानी कि बोन्स का स्पॉन्जी बन जाना, वीक हो जाना, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर जनरेट होते हैं। तो ये हमने सिम्टम की बात कर रहे हैं, अब मैं बात करूंगा डायग्नोसिस के बारे में, जेनेटिकल डायग्नोसिस के बारे में। अब जो भी जेनेटिकल बीमारियां होती है ना, चाहे वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, डाउन सिंड्रोम है, जब आप खुद बता रहे हैं कि क्लाइनफेल्टर का कारण क्या है, क्रोमोजोम्स की संख्या का कम या ज़्यादा होना, क्रोमोजोम की संख्या का कम या ज़्यादा होना। अब क्रोमोजोम का नंबर कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तो इसको पहचानने के लिए क्या करेंगे, क्रोमोजोम्स की काउंटिंग करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स को काउंट करेंगे, क्रोमोजोमल स्क्रीनिंग करेंगे, तो आप इस बीमारी को पहचान सकते हैं, और ऐसे तरीके से इसको डायग्नोसिस किया जाता है। डायग्नोसिस का मतलब ट्रीटमेंट नहीं है, डायग्नोसिस का मतलब होता है निदान करना, पहचान करना, इस रोग की पहचान करने का तरीका क्या है। तो इसके लिए आपको बताएं, जेनेटिकल टेस्टिंग हो गया एक, तो ऑब्जर्वेशन हो गया, मॉर्फोलॉजिकल फीचर, जैसे मैंने कहा क्लाइनफेल्टर का जो पेशेंट होता है वो हाइट लंबी होती है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाता है, बाल कम होते हैं, आवाज़ तीखी हो जाती है, मेल परंतु फेमिनाइन करेक्टर, फीमेल के मादाओं के लक्षण प्रकट हो गए, तो आप मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस कर सकते हैं। उसके अलावा मैं दो और टेक्निक का नाम बताता हूँ, हमारी प्रीवियस वीडियो को देखेंगे उसमें डिटेल आएगी। पहला है एमिनोसेंटोसिस, और एमिनोसेंटोसिस हो गया, और उसके अलावा आप कर सकते हैं कोरियोनिक विल्लस सैंपलिंग, जिसको CVS कहते हैं, कोरियोनिक विल्लस और सैंपलिंग बोलते हैं, उससे कर सकते हैं। अब एमिनोसेंटोसिस की अलग से वीडियो हमने बनाई है, और एमिनोसेंटोसिस और कोरियोनिक विल्लस है उसको समझने के लिए आप हमारी जस्ट प्रीवियस वीडियो है डाउन सिंड्रोम की, आप उसमें देखेंगे तो मैंने उसमें और अधिक आपको क्लियर कर रखा है, तो आप उसमें देखेंगे। तो एग्ज़ाम में तो आपको अगर पूछे तो चार तीन बातें लिखेंगे, पहला हो गया आप जेनेटिकल स्क्रीनिंग से डायग्नोसिस करना, जेनेटिकल स्क्रीनिंग से डायग्नोसिस करना, एमिनोसेंटोसिस टेक्निक से करना, और कोरियोनिक विल्लस सैम्पलिंग से कर सकते हो, और मॉर्फोलॉजिकल फीचर तो है, इस तरीके से आप डायग्नोस कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो क्रोमोजोम बॉडी की सेल्स में अगर बढ़ गए आप उसको निकाल नहीं सकते हैं, तो कम्प्लीटली इस डिजीज़ को हम क्योर नहीं कर पाते हैं। ये सारी बात है, तो आप इसको समझिएगा, और फिर मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, गूगल ड्राइव का एक लिंक दे रखा है, इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स उसमें अपलोडेड है, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दे रखे हैं विद आंसर्स दे रखे हैं, उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उन क्वेश्चन को सॉल्व करके देखें। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो अगेन इस वीडियो को जब आप देखेंगे ना तो कन्फर्म हो जाएगा, और कोई दिक्कत आती है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।